Assalamualaikum students, how are you people? I am Muhammad Iqbal from Islamabad. आज की क्लास में हम स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअल तरीके से. लेट्स स्टार्ट. इसकी जो पहचान है, अब यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से जो बुकिश मेथड है, मुझे चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, यहाँ पे लिखना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम कॉन्सेप्ट्स के साथ डील कर रहे हैं और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इंशाल्लाह जितने भी टेंसेज हैं, अगर आपको ये बेसिक समझ आ रही है तो अगले कॉन्सेप्ट को समझना बड़ी आसानी होगी. एंड तक आप लेक्चर को जरूर देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट में एक कॉन्सेप्ट है. हम डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट को समझ सकते हैं. इस टेंस में जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है वो ये है कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट जो है, ये आपस में स्टूडेंट भी कन्फ्यूज हो जाता है, डबल माइंडेड हो जाता है कि यार यहाँ पे देखें प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा या पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा, क्योंकि दोनों एक्शन जो हैं वो पास्ट में होते हैं, दोनों कंप्लीट एक्शन होते हैं. लिहाजा हम एग्जांपल से इसे देखते हैं. व्हेन सम एक्शन इज डन इन द पास्ट, जब पास्ट में कोई एक्शन जो है होता है, बट वी डोंट मेंशन इट्स टाइम, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कि कोई एक्शन जो है, जैसा कि मैंने कहा कि पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट को शो करता है, गुजरे हुए टाइम को, प्रेजेंट परफेक्ट भी क्या है, गुजरे हुए पास्ट टाइम को शो करता है. डिफरेंस दोनों में कैसे हम क्रिएट करेंगे, तो वो कहता है कि जब कोई एक्शन पास्ट में परफॉर्म हुआ, पास्ट में एक्शन एक हुआ, बट वी डोंट मेंशन इट्स टाइम, लेकिन हम उसका टाइम मेंशन नहीं करते. अगर टाइम मेंशन कर देंगे हम तो टेंस चेंज हो जाएगा. अगर हम टाइम मेंशन नहीं करेंगे साथ, तो फिर कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एग्जांपल देखें, डॉक्टर उस्मान हैज जॉइंट एजुकेशन यूनिवर्सिटी. अब देखें कि डॉक्टर उस्मान ने एजुकेशन यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है. अब इस सेंटेंस के अंदर देखें, कोई टाइम लिखा हुआ है, टाइम नहीं लिखा हुआ है कि उसने किस ईयर, किस मंथ, किस डेट को उसने ज्वाइन किया है, कब उसने ज्वाइन किया है. तो ये एक्शन कब हुआ, ये पास्ट में हुआ कि डॉक्टर उस्मान ने एजुकेशन यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है. डॉक्टर उस्मान हमारे कुलीग थे, इसलिए मैंने उनको नाम लिखा. तो डॉक्टर उस्मान हैज ज्वाइन एजुकेशन यूनिवर्सिटी, ये एक्शन हो चुका है, पास्ट में है, लेकिन उन्होंने कब ज्वाइन की वो साथ हमने नहीं लिखा है. जब हमने टाइम लैप्सेस साथ या टाइम यूनिट, टाइम वर्ड हमने साथ नहीं लिखा है कि एक्शन कब हुआ, तो हम कौन से टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट. दूसरा सेंटेंस देखें कि डॉक्टर उस्मान ज्वाइंट एजुकेशन यूनिवर्सिटी इन 2020, उन्होंने 2020 में एजुकेशन यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है. अब देखें पहला सेंटेंस था, उसमें हमने ये नहीं लिखा था कब ज्वाइन की है, तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, हमने हैज हैव यूज किया. और इसमें देखें कि डॉक्टर उस्मान ज्वाइंट एजुकेशन यूनिवर्सिटी इन 2020, 2020 में हमने साथ क्या लिख दिया, हमने इसके साथ जो है टाइम लिख दिया. जब हम टाइम लिखेंगे, ये जो टाइमिंग वर्ड, टाइम वर्ड्स जो है, जो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम जब लिखते हैं तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट मीन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट का मेथड क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूं, उसके बाद हम हैज लिखेंगे या हैव लिखते हैं. और हैज हैव याद रखें, जहां भी हैज हैव आता है, हैज हैव हैड वगैरह जहां भी आता है, वहां पे वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड्स जो भी हैं. और पास्ट इंडेफिनिट का जो मेथड है वो क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे. पास्ट इंडेफिनिट के मेथड सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर जो है वो अदर वर्ड. ये अब मेथड आगे फॉलो करेंगे हम. अब देखें जो ऊपर हमने जिस तरह इसको डिफाइन किया है कि कोई एक्शन पास्ट में हुआ
और उसका टाइम हम साथ मेंशन नहीं करेंगे, जैसा कि हमने एग्जांपल में दिया, अगर टाइम मेंशन करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट मीन हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और अगर हम टाइम मेंशन नहीं करेंगे तो फिर कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। हालांकि दोनों जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट के एक्शन को, गुजरे हुए जमाने को जाहिर करते हैं ये। अब जनरल इनकी जो एप्लीकेशन है कि इन डेली लाइफ, इन जनरल लाइफ में जो है, डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में कहां कहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं, लेट्स सी इट्स यूजेस। नंबर वन, लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट्स, यानी हमारे जो जिंदगी में अचीवमेंट्स हैं, जिंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, उनको जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, यानी हैज हैव का यूज करेंगे हम। कैसे, आई डिड मास्टर इन 2011, मैंने 2011 में मास्टर किया। अब ये जो मेरी अकम्पलिशमेंट है, जो अचीवमेंट है, ये कब है, 2011 में। अब देखिए, मैंने साथ जो है टाइम लिख दिया, अगर हम इसी तरह साथ टाइम लिख देंगे तो फिर हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। अगर हम टाइम यूनिट साथ नहीं लगाते हैं तो हम प्रेजेंट। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूं कि मैंने मास्टर किया है, यानी मैं ये यहां पे नहीं लिखता हूं साथ, मैं सिर्फ इतना लिखता हूं कि आई डिड मास्टर। अब देखें, मैंने साथ ये अगर नहीं लिखा है, टाइम इन वर्ड जो है हम साथ नहीं लिखते, यहां पे मैं सेंटेंस को वाइंड अप कर देता हूं, आई डिड मास्टर। अब इसको मैंने टाइम साथ नहीं लिखा है तो फिर मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए कि अब टाइम साथ नहीं है तो फिर कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव। अब हैज हैव के साथ कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड, आई हैव डन या आई हैव कंप्लीटेड मास्टर, आई डन, आई हैव डन मास्टर। दूसरा सेंटेंस देखें, वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, हमने 1947 में आजादी हासिल की, वी गॉट फ्रीडम इन 1947। आप देखें स्टूडेंट कि ये आजादी हासिल करना जो है हमारा क्या है, अचीवमेंट है। हम इसके साथ अगर ये टाइम यूनिट यूज करेंगे तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। अगर हम इसके साथ, अब देखें ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, टाइम यूनिट साथ लगा हुआ है तो हैज हैव नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए। अगर हम इसको साथ नहीं लिखते कि वी गॉट इंडिपेंडेंस, हमने आजादी हासिल की है यहां पे, तो फिर हमें क्या लिखना चाहिए, वी हैव गॉट, गेट गॉट, गॉटन भी लिख सकते हैं, गॉट भी होती है थर्ड फॉर्म, वी हैव गॉटन फ्रीडम, गेट गॉट, गॉट भी थर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें कि ही गॉट मैनी अवार्ड्स इन हिज लाइफ, उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अवार्ड हासिल किए, उसकी अचीवमेंट है। तो इसमें क्या कोई टाइम लिखा हुआ है कि ही गॉट मैनी अवार्ड्स इन, इसमें टाइम नहीं लिखा हुआ है तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, हमें क्या लिखना चाहिए, ही हैज गॉट मैनी अवार्ड्स इन हिज लाइफ। आगे देखेंगे, शी गॉट प्रेसिडेंशियल अवार्ड मेनी टाइम्स, कई दफा उसने सदारती अवार्ड हासिल किया है। अब इस सेंटेंस में देखें, इसमें कहीं कोई टाइम लिखा हुआ है कि उसने कब जो है 2009-11 कुछ टाइम है, कोई कुछ महीने साल, नो टाइम, टाइम नहीं है तो फिर कौन सा टेंस यूज करेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज गॉट, ओके आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, मैं फिर से बता देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टाइम को शो करता है, किस टाइम को शो करता है, पास्ट के, पास्ट में वो एक्शन हो चुका होता है। पास्ट इंडेफिनिट कौन से एक्शन को शो करता है, जो पास्ट में हो चुका होता है, ठीक है। इंग्लिश में हम कैसे इसको लिखेंगे, कैसे कि अगर हम टाइम यूनिट वर्ड को लिखेंगे, टाइम यूनिट्स को, जो टाइम कब वो एक्शन हुआ उस टाइम को अगर हम साथ मेंशन करेंगे तो हम टेंस यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मीन हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। अगर हम जो एक्शन पास्ट में हुआ उसका टाइम हम साथ नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो फिर हम कौन सा टेंस यूज करेंगे,
प्रेजेंट परफेक्ट। आगे देखते हैं, कंटिन्यूड एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से कंटिन्यूड एक्शन कौन से होते हैं? द एक्शंस विच आर स्टार्टेड इन द पास्ट, स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए लेकिन स्टिल इन प्रेजेंट अभी तक वो गोइंग ऑन है, अभी तक इन प्रोसेस है, अभी तक वो हो रहे हैं, उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए यहां पे आपने अपनी कंफ्यूजन दूर करनी है कि आई हैव बीन लिविंग इन वॉक एंड फॉर 10 years, मैं 10 साल से वॉक एंड में रह रहा हूं। अब ये एक्शन जो है वो हो रहा है, तो एक्चुअली जो है क्योंकि ये अभी ऑन गोइंग एक्शन है, अभी ये काम चल रहा है और कंटिन्यूअस टेंस हमें यूज करना चाहिए, तो सेंटेंस बिल्कुल हमारा सही हुआ। हमने कौन सा टेंस यूज किया? कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई है। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं कि मैं 10 साल वाह में रहा हूं, अगर मैं इस तरह कहता हूं कि मैं 10 साल वाह में रहा हूं, इट मीन कि अभी मैं रह रहा हूं। यानी अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं 10 साल वाह में रहा हूं और मैं ये सेंटेंस लिखता हूं कि आई हैव लिव्ड इन वाकिंग फॉर 10 years, तो इसका ये मतलब है कि मैं 10 साल रह चुका हूं, अभी 11वां साल चल रहा है और अभी मैं रह रहा हूं। आई हैव लिव्ड इन वाकिंग फॉर 10 years, मैं 10 साल रहा हूं और अभी मैं रह रहा हूं, इसका ये मतलब है। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं सेंटेंस ऐसे लिखता हूं कि आई लिव्ड इन वाकिंग फॉर 10 years, इस सेंटेंस का क्या? ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है। ये कैसे सही? इस सेंटेंस का ये मतलब है कि आई लिव्ड इन वाक एंड फॉर 10, मैं 10 साल वाह में रहा, यानी अब मैं नहीं रह रहा हूं। अगर एक्शन चल रहा है, ठीक है, मैं एक और एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो अभी ये एक्शन मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और आपके सामने है मैं पढ़ा रहा हूं, तो कौन सा टेंस मैंने यूज किया? कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं ऐसे कहूं आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 10, मैंने 10 साल इंग्लिश पढ़ाई है और अभी मैं पढ़ा रहा हूं, इसका ये मतलब है। ये सेंटेंस और ये दोनों सही हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी। ये गलत आपको इसलिए लग रहा है कि हम ट्रेडिशनल तरीके से हम उसको हम फॉलो करते हैं, हम मेथड्स को, कॉन्सेप्ट्स को हम नहीं देखते हैं, इसलिए आपको ये गलत लग रहा होगा कि नहीं जी इसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये काम तो अभी हो रहा है। बिल्कुल भाई हो रहा है, काम कंटिन्यूस इन प्रोसेस है, गोइंग ऑन एक्शन है, तो हमें ये टेंस यूज कर, अगर हम ये टेंस यूज करते हैं तो ये भी ठीक है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट्स। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि आई टॉट इंग्लिश फॉर 10 years, मैंने 10 साल इंग्लिश पढ़ाई, अब मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने 10 साल तक इंग्लिश पढ़ाई, तो मैं लिखूंगा आई टॉट इंग्लिश फॉर 10, इट मीन्स कि मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंसेस जो है वो करेक्ट होंगे। गलत इसलिए आपको लग रहे हैं और इस तरह अजीब लग रहे हैं कि यार ये सेंटेंस तो गलत है, ये तो काम अभी हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कॉन्सेप्ट से देखें अपनी बुक्स में, नेट पे, गूगल में जरा इसको सर्च करें कि आया ये दोनों सेंटेंसेस ठीक होंगे तो बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि स्कूल में भी आपको ये वाला मेथड पढ़ाया गया है। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार इसने अजीब टीचर है कि इसने पास्ट डेफिनेट में फॉर यूज किया, फॉर और सिंस तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं, या परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है। नो माय डियर, ये प्रपोजिशन है, यूज हो रही है और भी बहुत सी जगहों पर यूज होती है, सिर्फ जो है वो बंदे को यार रिसर्च ओरिएंटेड माइंड होना चाहिए, फिक्स्ड माइंड नहीं होना चाहिए कि बस ये चीज है यही है। इसलिए तो हम हर साल जो है वो नए सिरे से शुरू करते हैं इंग्लिश को, 9th में 10th में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, नए सिरे से शुरू करते हैं, क्योंकि हम याद करते हैं, चीजें याद करने वाली भूल जाती हैं। आगे हम इसका जो थर्ड यूज है वो हम देखते हैं। यस, अनफिनिश्ड टाइम वर्ड्स, जो टाइम वर्ड्स क्या है, अनफिनिश्ड है, इनकम्प्लीट है, अभी मतलब वो खत्म नहीं हुआ वो टाइम जो है। फॉर एग्जांपल, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस डे, दिस सेंचुरी, दिस डेकेड। अब इसमें देखिए, आई वॉच्ड पीके मूवी दिस वीक, इस हफ्ते जो है मैंने पीके मूवी देखी है। इट मीन दिस वीक इज नॉट एंडेड येट, क्योंकि ये हफ्ता जो अभी खत्म नहीं हुआ, ये चल रहा है, इस हफ्ते मैंने देखी है। अगर मैं ये कहता हूं कि इस हफ्ते
मैं किसी को बताता हूँ कि इस हफ्ते जी मैंने ये क्लास पढ़ाई है, इट मीन्स कि दिस वीक इज गोइंग ऑन, ये हफ्ता चल रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि आई टार्ट दिस चैप्टर लास्ट वीक, अगर गुजरा हुआ टाइम में मैं पिछले हफ्ते का कहता हूँ, वो तो खत्म हो गया। जिस तरह लास्ट डे, लास्ट मिनट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, वो तो खत्म हो गया। लेकिन ये जो टाइम वर्ड्स हैं कि दिस मंथ, दिस ईयर, दिस सेंचुरी, अगर आप कहते हैं कि आई एम वर्किंग हार्ड दिस ईयर, इस साल मैं मेहनत कर रहा हूँ, दिस ईयर, या वी आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस दिस ईयर, इस साल हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो क्या दिस ईयर जो है वो खत्म हो गया? दिस ईयर इज रनिंग, ये साल चल रहा है, जब खत्म होगा तो वो लास्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जो टाइम वर्ड है वहां पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। अब यहां पे देखें कि आई वॉच्ड पीके मूवी दिस वीक, इस हफ्ते मैंने देखी है, इट मीन कि दिस वीक इज नॉट एंडेड। आई विजिटेड माई नेटिव टाउन दिस मंथ, इस महीने मैंने अपना जो नेटिव टाउन है, आबाई गांव है, वो विजिट किया है, मैं वहाँ गया हूँ, गया हूँ मतलब प्रेजेंट को शो कर रहा है कि आई विजिटेड माई नेटिव टाउन दिस मंथ, इट मीन्स स्टिल दिस मंथ इज गोइंग ऑन। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इसके कॉन्सेप्ट देखे दो तीन। इसका एक और कॉन्सेप्ट है, एक दो वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स कि जो पास्ट टाइम मार्कर्स हैं, ऐसे वर्ड्स जो टाइम को शो करते हैं, कौन से टाइम को? पास्ट टाइम को शो करते हैं, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट, वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट सेंचुरी, लास्ट मोमेंट, लास्ट मिनट, लास्ट वीक, यानी कि जो टाइम खत्म हो गया है। अब देखें इस सेंटेंस को कि आई मेट हिम लास्ट ईयर, कि पिछले साल जो है मैं उसको मिला। अब लास्ट ईयर अगर वो चल रहा है तो मैं कहता हूं कि दिस ईयर, दिस ईयर है, इट मीन्स कि वो चल रहा है, तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करता। लास्ट ईयर है तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है जनाब? मेट, वर्ब की मैंने कौन सी फॉर्म यूज की है? सेकेंड फॉर्म, इट मीन्स के प्रेजेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब ये सेंटेंस यहाँ देखें, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि आई हैव मेट हिम लास्ट ईयर, कि मैं उसको पिछले साल मिला हूं, यार आपके जेहन में आ रहा होगा कि ये तो बिल्कुल खिचड़ी सी बन रही है, कि इसमें तो चुका हूं, चुकी है, अलिफ है, छुटी है, वो तो है नहीं। आप इसकी ट्रांसलेशन अगर ये करें कि मैं उसे पिछले साल मिला हूं या मैं उसे पिछले साल मिला, दोनों उर्दू वाले सिंपल पे नहीं ना जाए आप। मेरी उसके साथ पिछले साल मुलाकात हुई, मैं उसे लास्ट ईयर मिल चुका हूं, जो मर्जी आप लगाएं, आप चुका हूं लगा रहे। लेकिन अगर टाइम मार्कर उसके साथ आ गया, ये देखें पास्ट टाइम मार्कर आ गया, तो टेंस कौन सा यूज होगा? पास्ट इंडेफिनिट। अब ये लास्ट ईयर आ गया यहाँ पे, तो फिर हैज हैव का यहाँ पे आना इम्पॉसिबल है, यहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी? सेकेंड फॉर्म। अगर मैं ये कहता हूं कि दिस ईयर, इस साल मेरी मुलाकात हुई है, ठीक है, इस साल तो मीन इस साल, यानी अभी वो चल रहा है, अगर वो साल चल खत्म हो गया तो फिर वो प्रीवियस हो जाएगा। अब आगे से टेंस देखें कि ही गॉट पोजीशन दिस ईयर, इस साल जो है उसने पोजीशन हासिल की। इस साल आप किसी को बता रही हैं कि जी इस साल जो है मेरे भाई ने पोजीशन हासिल की, तो जिस साल पोजीशन हासिल की आप उसी साल बात कर रहे हैं, वो साल अभी चल रहा है, उसी साल में आप बात कर रहे हैं। अगर वो साल गुजर गया है, आप किसी को बताते हैं कि जी मेरे भाई ने पिछले साल पोजीशन हासिल की, यार पिछले साल तो वो साल खत्म हो गया, अभी तो ये साल है, अभी तो दिस ईयर है, दिस ईयर है, इट मीन के वो चल रहा है। अब ये दिस ईयर है तो फिर यहां पे कौन सा टेंस आना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज गॉट पोजीशन दिस ईयर। अरे देखें, ही हैज गॉट पोजीशन लास्ट ईयर। अब डियर स्टूडेंट, यहां पे देखें कि ये लास्ट ईयर यहां पे आ गया, कौन सा टाइम मार्कर है? पास्ट टाइम मार्कर है, तो फिर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ये खत्म हो जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? सेकंड फॉर्म हो जाएगी। इंशाल्लाह कुछ सेंटेंसेस, एक प्रैक्टिस सेशन इसमें हम रखेंगे, जिसमें मैं बहुत सारे सेंटेंसेस लिखूंगा और उसमें डिफरेंशिएट हम करेंगे कि यार इसमें कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट का है, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट का है। एक और चीज इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कुछ टाइम मार्कर ऐसे हैं
जिस तरह जस्ट है, यानी कुछ बहुत करीब के टाइम को शो करते हैं, ठीक है, और कुछ रिमोट पास्ट मार्कर हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, आई होप बट आई बिलीव कि आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, अल्लाह हाफिज़।